हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे फेशियल के बारे में, जो कि स्पेशली बनाया गया है डिसकलरेशन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, पुराने दाग धब्बों के लिए, और ये है डायरेक्टली फ्रॉम जापान। तो इसके अंदर जो भी टेक्निक यूज होती है वो जापान की होती है। काफी इफेक्टिव फेशियल है ये। तो इस किट का मैं आपको रिव्यू बताऊंगी कि कैसी है ये किट। मैं इसको यूज भी कर चुकी हूँ, काफी इफेक्टिव रिजल्ट है इसका। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले किट की पैकेजिंग की। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की पैकेजिंग में आता है ये वाली फेशियल किट, और ये है फ्रॉम द ब्रांड कैन पे की, और इस फेशियल का जो नाम है वो है ब्लांच। तो ये डिस्कलरेशन के लिए बनाया गया है। इसके अंदर तीन मेन इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। फर्स्ट वन इज कोजिक एसिड, जो कि राइस और राइस ब्रांड से अचीव्ड होता है, जो कि स्किन व्हाइटनिंग के लिए काम करता है। तो सेकंड वन इज विटामिन सी। तो विटामिन सी के तो एन नंबर ऑफ रोल्स हैं हमारी हेल्थी स्किन के लिए। तो कोलेजन लेवल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, स्किन व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग, हर तरीके की प्रॉपर्टीज आती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है विटामिन सी, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में विटामिन सी के बारे में बताती रहती हूँ। और थर्ड वन इसके अंदर डाल गया अर्बुटिन। तो अर्बुटिन जो होता है स्किन के लिए काफी अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये वर्क करता है मेलानिन पर। तो मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन में पाया जाता है। तो जितना हमारा मेलानिन डार्क बनेगा उतना हमारा कलर जो है डार्क होगा। जितना मेलानिन हमारी बॉडी में लाइट बनेगा उतने हम ज्यादा फेयर होंगे। तो ये मेलानिन पे भी वर्क करता है, इसलिए इसका जो नाम है और इसका जो काम है वो स्किन व्हाइटनिंग एंड लाइटनिंग फेशियल में से आता है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इसके दो बॉक्सेस, क्योंकि एक पैकेजिंग को मैं खोल चुकी हूँ, इसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो मैं आपको न्यू वन दिखाऊंगी। तो जस्ट मैं आपको पैकेजिंग के लिए दिखा दूं, तो इस तरीके की बुक टाइप पैकेजिंग में आता है। तो पैकेजिंग जो है इसकी बहुत ही ज्यादा लग्जीरियस है। तो चलिए देख लेते हैं इस वाली किट का क्लोजअप लुक भी अब। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की पैकेजिंग में आती है कान पेकी की ब्लांच फेशियल किट। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो मैं इसको यूज कर चुकी हूँ। खोलने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक और पैकेजिंग इसकी, जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई थी। तो आप देख सकते हैं मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, काफी इफेक्टिव है ये। इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। तो मैं आपके लिए एक न्यू बॉक्स ओपन करने जा रही हूँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी उसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो उसमें तो सारे प्रोडक्ट्स नहीं है। तो चलिए इसको खोल के मैं दिखाती हूँ आपको अब। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं। मैं आपको खोल के दिखाऊंगी एक एक चीज़ पास से। इस तरीके के पाउचेस मिलेंगे आपको, और दो इस तरीके के एम्प्यूल्स मिलेंगे, जो थोड़ा सा प्रोफेशनल फेशियल है। इसको तोड़ने के लिए भी ये इन्होंने दिया हुआ है, तो आप इसे घर पे तो ट्राई ना करें। जस्ट मैं आपको इसके अंदर दिखा रही हूँ कि अगर आप लेने जा रहे हो तो क्या क्या मिलेगा आपको। इस तरीके के दो और पैक्स मिल जाएंगे आपको। तो चलिए मैं खोल के आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ कि कितने स्टेप का फेशियल है ये। तो टोटल आप देख सकते हैं इस तरीके का 10 स्टेप फेशियल है ये। इसके अंदर टोटल मिल जाते हैं आपको 10 स्टेप्स। तो चलिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ इस वाले फेशियल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाता है इसका एल्कलाइन रिंस। सेकंड नंबर पे आपको मिल जाता है मिल्किना क्लीम क्लिंजर। थर्ड नंबर पे आपको मिल जाता है एंजाइम माइक्रोफिलेंट। फोर्थ नंबर पे आपको मिल जाता है इसके डर्मा केयर ड्रॉप्स। फिफ्थ नंबर पे आपको मिल जाता है सीरम, जो कि डर्मा केयर के लिए है। एंड सेवन्थ नंबर पे आपको मिल जाता है करेक्शन कम्प्लेक्स क्रीम। ये जो है काफी अच्छी क्रीम है, जितने भी आपके डार्क एरियाज होंगे उनको करेक्ट करेगी, और कॉम्प्लेक्स क्रीम है ये, आपके कॉम्प्लेक्स को इक्वल करेगी ये। और आपको नेक्स्ट इसमें मिल जाता है अंडर आई जेल। तो जिन लोगों के डार्क सर्कल हैं वो भी ब्लैकनेस में आ जाते हैं, और ये जो है स्किन लाइटिंग वाला फेशियल है। तो डार्क सर्कल का आपको अलग से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल रहा है अंडर आई जेल। और नेक्स्ट आपको मिल जाता है 8th नंबर पर इसका सोल्फिन मास्क। तो ये तो टोटल 8 स्टेप हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े इन्होंने इनके रबड़ मास्क भी दिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये है एक्टिवेटर जेल, और ये है कान पे की ब्लांच की डिटॉक्सिफाइंग मास्क। तो इन दोनों को मिक्स करके एक मास्क बनेगा। तो आप देख सकते हैं टोटल इतने सारे स्टेप्स हैं इस वाले फेशियल के अंदर। काफी लग्जीरियस एंड प्रीमियम रेंज में से आ जाता है ये।
तो मैं कोई भी कलर के अगेंस्ट नहीं हूँ। बेसिकली जिन लोगों के स्किन पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं, पुराने दाग धब्बे हैं, स्किन जो है हाईली पिगमेंटेड है, कहीं से काली हो रखी है, कहीं से फेयर है, तो वो तो उसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप पिगमेंटेशन से, पुराने दाग धब्बों से परेशान है, चाहे आपके स्किन के ऊपर एक्ने के पुराने मास्क हो, चाहे पैचेस हो रखे हों, चाहे झाइयाँ हो रखी हों, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ आता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे इसमें डाला गया है कोजिक एसिड, जो कि जो है काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इसके अंदर राइस वगैरह होता है। सेकंड विटामिन सी आ जाता है, तो मैंने आपको विटामिन सी के बारे में बता ही दिया, एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए। थर्ड नंबर पे आपको इसके अंदर मिल जाता है अर्ब्यूटिन, जो कि मेलनिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और आपके स्किन के डीपर लेयर में जाकर काफ़ी अच्छा इफेक्ट छोड़ता है स्किन के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा फेशियल है ये। जो लोग स्किन वाइटनिंग, लाइटनिंग, ब्लिमिशेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, डार्क स्पॉट को कंट्रोल करना चाहते हैं, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो लोग इसको एक ट्राई दे सकते हैं। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग कान पे की ब्लांच फेशियल की किट के रिव्यू को लेकर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप भी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं, आपके स्किन पे एक्ने हो रखे हैं और वो जो है वो निशान छोड़ के चले गए, आपकी स्किन को ब्लैकनेस प्रोवाइड कर दी है, डिसकलरेशन आ गई आपकी स्किन के ऊपर, देन डेफिनेटली यू शुड चेक आउट दिस प्रोडक्ट। तो आप ये वाला फेशियल किसी भी सैलून में जाके डिमांड कर सकते हैं जहां पर ये होता हो। देखिए बस मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो डालूं तो अपडेट आपको मिल सके। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।